गया में पितृपक्ष मेला में अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। रूस से आए 3 विदेशी श्रद्धालुओं ने अंत सलिला फल्गु नदी के तट पर स्थित देवघाट पर अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना को लेकर पिंडदान किया। इस दौरान पुजारी लोकनाथ गौड़दास ने गयापाल पंडा के साथ इन 3 विदेशी श्रद्धालुओं के पिंडदान का कर्मकांड पूरा कराया। पिंडदान करने के बाद रूसी श्रद्धालु मरियम बेहद खुश नजर आईं। रूसी महिला श्रद्धालु पहली बार साड़ी पहनकर भी बेहद खुश थीं। वहीं पुजारी लोकनाथ गौड़दास ने कहा कि रूस और जर्मनी में पिंडदान को लेकर प्रचार किया गया है। दास ने कहा कि रूसी श्रद्धालु अपने पिताजी और पूर्वजों के लिए पिंडदान करने आए हैं। यानी कि आज के तारीख में जो यहाँ पे पितृपक्ष 2018 का जो शुरू हुआ वहाँ से जर्मनी से और अपने ये इलाके आए रशिया से और आई एम सो हैप्पी व्हाट एवर अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग। ये लोग रशिया से आए पिंडदान वगैरह करने आए 22 जून को यहीं पे अपना एम्स्टर्डम में जो जर्मनी में हम लोगों ने एक लेक्चर दिया उसमें कई लोग अटेंड किए और उसको प्रचार किया हम लोगों ने रशिया में भी और यहाँ पे जर्मनी में भी। बहुत लोग प्रभावित हो गए। एक्चुअली ऐसे तो बहुत लोग आने वाले थे लेकिन इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें बहुत लोग व्यस्त रहने के कारण कुछ लोग अटेंड नहीं कर सके लेकिन अगले साल तो यानी कि जो अभी 61 है उससे 300 लोग आने के लिए पूरा। ये लोग पिंडदान अपने जो पिताजी के और अपने जो पूर्वजों के जो पिंडदान करने के लिए आए। ऐसी मान्यता है कि गया जी में अगर पिंडदान विधि विधान से किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहां अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।